आदर और सत्कार के योग्य अपने हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी यूनियन, बार एसोसिएशन और सामाजिक संगठन और बुद्धिजीव प्रबुद्ध पंचायतियों, आप सभी को जेपी जाखड़ और फील्ड मार्शल कृषि यंत्र यूट्यूब चैनल की तरफ से आज जोड़ के राम राम, नमस्कार। आज आपने जानकारी देवांगे SYL के मुद्दे पे, एक पंचायत का आयोजन कराया गया है, अराजनीतिक पंचायत है, 12 मार्च 2023 को, 12 मार्च 2023 को अराजनीतिक पंचायत है भाई जींद जाट धर्मशाला में। और अपने हरियाणा के जितने भी बुद्धिजीव खापे प्रबुद्ध पंचायती हैं, वे सभी को आमंत्रित कराया गया है। और मुद्दा है SYL का, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे हरियाणा वासियों, जितना भी टाइम होया है बे वो पंजाब ते अपने SYL का पानी नहीं होया भाई। मैं तो कदे का सुनता हूं भाई SYL का पानी ले आऊंगी, या सरकार ले आओगी, वह सरकार ले आओगी, वह सरकार ले आओगी। लेकिन मैंने ये देख लिया है भाई, इतना टाइम हो गया, आपने भी देखा होगा भाई, यू पानी नहीं आंदा है, ये राजनीतिक शिकार हो रहा है, यह SYL राजनीति की शिकार हो रही है। और वह शिकार क्यों करो रही है वह बता दू भाई। पंजाब में तो सरकार बनानी हो, अकाली दल ने बनानी हो, कांग्रेस ने बनानी हो, बीजेपी ने बनानी हो, तो किसान ने कहते हैं भाई आपे हरियाणा ने पानी कौन दें, हरियाणा में पानी कौन जान देना, मुझे सरकार बना दे है मुद्दा है। और हरियाणा में सरकार बनानी हो चाहे उसमें NLO हो और क्या उसमें कांग्रेस हो और क्या बीजेपी हो, जितनी भी सरकारें हैं आई हैं गई हैं और आवेंगी, इनमें एक मुद्दा है कि पंजाब में तो SYL का पानी ले आवांगे, आप उनने फिर वोट दे दिया। हाँ, और एक्चुअल में भाई एड बड़े हो गए, 1955 में यू पानी अलाट होया था अपना, 1955 में पानी अलाट होया था, आज लग यू पानी अपना हरियाणा ने मिला को नहीं। यू इस पे भाई अपना आपने चाहिए धरती अपनी जमीन खातर पानी चाहिए था, अपनी खेती खातर पानी चाहिए था, लेकिन यू सारा राजनीति की खेती में लग गया भाई, इसके ऊपर राजनीतिक खेती हो रही है। और इसे के लिए जितने भी अपने हरियाणा में जितनी भी खापे हैं, प्रबुद्ध पंचायती हैं, बुद्धिजीव लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनको आमंत्रित कराया है भाई 12 मार्च 2023 ने जाट धर्मशाला जींद में। अरे भाई आप ने देखा होगा जितने भी, ये एक दीवानी मुकदमा मान लो इसका, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ओड़ा तई हरियाणा के पक्ष में फैसला आ लिया, लेकिन पानी आज तक को नहीं मिला, जिसमें मैं दोनों कई बार तो कांग्रेस की सरकार तो पंजाब में है कांग्रेस की हरियाणा में है, बीजेपी की सरकार हरियाणा में है तो बीजेपी की पंजाब में है, जब भी आपने पानी को नहीं मिला। तो यह देख के आपने समझ में आया होगा अग भाई यू पानी का तो सिर्फ मुद्दा है, नदी का तो मुद्दा है, इसके ऊपर राजनीतिक खेती हुआ है, एक्चुअल में अपने खेतों के लिए पानी नहीं है। और इसे बात लेके भाई जब यू मामले बिगड़ जाया करे नहीं, उस टाइम खाप पंचायतों का अहम योगदान हो है, ये एक भगवान का रूप हो है, निर्णायक हो है, ये खरी कहन वाली है जो यू न्याय कर देंगी, इसका एक समाज में अलग रुतबा है भाई, मान्य कराया जावे है, एक सामाजिक संस्कारों के जरिए भाई, सामाजिक नजरों के जरिए, सामाजिक ताने बाने के जरिए इसको स्वीकार कराया जावे है। और कोर्टा में जितने भी फैसले हो हैं वो फैसले हो हैं वो थोपे जावे हैं। और खाप पंचायत हमेशा
दोनों तरफ से दोनों तरफ की बातें सुन के उसने आपस में तालमेल बना के एक समझौता का रूप देवे हैं, और वो समझौता का रूप दोनों आके आचार और विचारों का मिलान करके वो समझौता करवाया जावे है। तो वे हमेशा मान्य हुए हैं भाई, अपने समाज में हमेशा मान्य हुए हैं। इसी वजह तक कहे हैं भाई, खाप पंचायतों जितने जितनी भी अपनी खाप पंचायतों ने फैसले कर दिए वे सर्वमान्य हो हैं। और भाई इस SYL के मुद्दे पर भी 12 मार्च 2023 ने जाट धर्मशाला में अपनी यह पंचायत बुलाई गई है। जितने भी अपने सामाजिक संगठन हैं, खाप पंचायतें हैं, वहां आमंत्रित हैं, वे अपने सारे भैया नोड़ पहुंचना है। और ये थोड़ी ही चर्चा कर लेंगे SYL की, दो तीन पॉइंट बतावांगे वे जो आप इसका जो एक हल निकल सके है, जो एजेंडा है इसके ऊपर एक सुझाव है वो किस तरीके के हैं वो हम आपने बता देंगे। क्योंकि राजनीतिक जो खेती हुई है आज अलग, जिस टाइम ये आओगे या खेती कर जाएंगे हमें पानी ले आवांगे नूंदा पंजाब कह दे हमें देवा को नहीं, तो वो वोट लेकर अपने राज करे हैं। और हकीकत सच्चाई आज अलग पंजाब की सरकार ने भी अपने से छुपाए रखी है और हरियाणा सरकार ने भी छुपाए रखी है। जितने भी ये राजनीतिक लीडर हैं, नेता हैं, हमेशा अपने किसान को अंधेरे में रखा है। तो यह भाइया ने बात बता दी भाई, पंजाब का जो किसान है उसने आज तक हरियाणा के किसान को पानी देने से मना नहीं कराया, पानी देने का मना नहीं कराया भाई। और लेकिन के कहेंगे उस बात ने दूसरे ढंग से ले आओगे, पंजाब आपे ने पानी को निंदा, पंजाब ने कभी भी मना नहीं कराया। उसका एक कारण है जड़े को अपनी SYL नदी आनी है भाई। यह वीडियो थोड़ी ही लंबी बनेगी और इस वीडियो ने जितने भी अपने भाई देखने लग रहे हैं, दर्शक साथी देखने लग रहे हैं, इसने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो यूट्यूब चैनल फील्ड मार्शल कृषि यंत्र देखने लग रहे हैं इसने कर लो सब्सक्राइब। आज पूरा जोश है भाई, उस जोश के तहत USYL का मुद्दा, क्यों भाई सारी उम्र होगी सुन जाने, और इस वजह से भाई के मतलब जुनून सा पैदा हो रहा है ये सारी बात करा अपने भाइयों से। तो भाई यह है, उन भाइयों ने मना नहीं कराया, उनने सिर्फ मना इस बात तक कराया है। मैं बता दूं भाई, पंजाब में तो जो पानी आवेगा हरियाणा में उसकी जो लंबाई है वह 156 किलोमीटर है, और 156 किलोमीटर में भाई किमें तो पंजाब में पहले ही पानी ज्यादा है, और फिर ओड़गवा नदी आने में भाई जमीन भी गई पंजाब के किसान भाइयों की, और फिर वह डूबा आवेगी ओड़गो नहर आवेगी, सिर्फ उस वजह से मना कराया है अपने पंजाब के किसान भाई ने। अग भाई मामे तो आड़ा से माजेगी, और जो ये पानी है नी आप अलग रास्ता तक बिले जा सको और मिल सके है भाई आपे ने। अरे एक भाई का किसी बात की तकरार हो तो दोनों पास है, अगर आप एक गांव में देहात की अगर ये बात करा, मान के चलो न्याला और गोपाला दो भाई हैं, और उन दोनों भाई अगर जे न्यारे होंगे तो धरती का पानी का भी बंटवारा होगा, और घर का नोर का भी बंटवारा होगा, डांगर का पशु का भी बंटवारा होगा। और वो इस तरीके तो होगा भाई, इसका डोक्याणी है तो इसकी ज्ञापन दे दे, इसकी दो दे दे, एक बाखड़ी दे दे। घर का होगा तो भाई इसका कच्चा है, इसका पक्का है भाई, इस तरीके से दो खंड यू ले लेगा, एक यू ले लेगा। और नुए पानी का बंटवारा कराया जाए भाई उरो को, दोनों भाइयों का ठीक आवेगा, उरो को रास्ते में यह जमीन थोड़ी लागेगी और यू जमीन थोड़ी कटेगी भाई, या बुआई में ज्यादा आ जाएगी। इस तरीके से हमेशा ही अपना एक समाज में यू समझौता कर दिया है यहाँ पे, और उसे प्रकार तक आज लगा अपना यू जो सामाजिकता नबाना है यू बरकरार है। और एक आधी बात इसमें आग्रह में मान लो न्याला का गोपाला का तो रोला है, और रामकलार मिया सिंह और पड़ोसी भाई हैं वो भी उनने देख के नु देख रहे, दोनों भाई इस बात पर लड़ने लग रहे हैं अगर जे यू रास्ता या नाली जे उरो को ले जाए तो मारे पर क्या कहे भाई, अपने खेत में को दूर तक पानी आवे है, या हमारी जमीन बंजर पड़ी है, या हमारा खेत का रास्ता को लगदा तो आप अपने खेत में को देश का भाई इन भाइयों ने वो रोड़ा बुझाणते ही। तो ठीक उस प्रकार था भाई, हिमाचल का रास्ता तय हिमाचल सरकार देने भी तैयार है, और भाई उसमें खर्चा भी कम आवेगा, वो सारा 67 किलोमीटर का एरिया बना है, 67 किलोमीटर का एरिया में
और पानी भी इतना बढ़िया होगा, एक तो निमान मत है लेवल करके पानी लेके आए, 1 किलोमीटर नहर चल नहीं भाई, 6 इंच का ढलान काफी हो आकर है, 1 किलोमीटर आप इन भाई अपने मजदूर ने अपने किसान ने खेतों का हर खेत का नु पता है भाई उस किलो में पानी जाओगा तो इतनी देर में आलेगा। तो उस नहर का जो यूज जो सर्वे कराया है मेरे किसान भाई ने बता दू मैं जानकारी के तौर पर, 2 मजदूर और किसान के बेटे ने भिवानी से तो जितेंद्र नाथ एडवोकेट है भाई, और अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट से सतरोल खाप की तरफ ते सतरोल खाप मावे है मोट गांव, और एक सामाजिक भाई है बड़ा समाज सेवी है भाई, और समाज की बातन ध्यान में रखे पंचायती मिलनसार है भाई सत्यवान मोठ ने, काफी प्रयास करे हैं भाई 1.5 साल तक तो मन हो गया बार बार बातचीत कर दिया ने भाई किस जा रहे हो भाई SYL का रास्ता देखने जा रहे हैं भाई SYL का काम पलाग रहे हैं ऊरो को ठीक आओगा अपना पानी। तो उन भाइयों ने इस पंचायत का आयोजन किया है भाई, और पूरा हरियाणा प्रदेश के अपने जो पंचायती भाई हैं बुद्धिजीवी भाई सामाजिक संगठन है भाई कर्मचारी यूनियन है, हाँ बार बार बताऊं मेरे किसान भाई पंचायतिया ने अराजनीतिक पंचायत है भाई, किसी प्रकार की यह भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, जोश में नहीं करना, पंचायत हमेशा जोश में नहीं काम कराया कर दी होश में काम कराया करे हैं। तो भाई यू होश में रह के यू अपना पानी आस के मैं बता दू मेरे किसान भाइया ने बाखड़ा जो नंगल डैम है ना ओढ़ पिंजोर के रास्ते होते हुए खोखर गांव है पंचकुला का, उस गांव में या नदी आस के है, और इसका जो यह दूरी है यह दूरी सारी 67 किलोमीटर की है, और फिर जनसुई जो ऐड है ओड़ा ही आ जाएगा, जनसुई में आके मिल जाएगी SYL ओड़ता अपनी जो पहले चल रही है। तो यू तो 67 किलोमीटर का दायरा है, और पंजाब में जो आप पानी लेके आवांगे वो नंगल ब्रिज जो है नंगल ब्रिज जो एरिया है ओड़ तो चल लगी, और एक कपूरी गांव है अपना हरियाणा में हरियाणा का लागे जो कपूरी में आके या SYL बना भाई पंजाब का रास्ता लियावा दो, इसकी दूरी 156 किलोमीटर है। उन पंजाब के किसान भाइयों ने कदे भी जिनने पानी के लिए हरियाणा को बना नहीं कर रहा उनको बार बार आप में अपमानित कर रहे हैं, अरे भाई जो सरकार है आप इन्हें आमना सामना करते हैं, जिस दिन भी इनकी राजनीति खेती करनी हो उसे दिन SYL का मुद्दा उठा के और इसका ढोल पीट के दोनों भाइयों ने आमी शामी करते हैं, बीच में दरार पैदा कर दे हैं, लेकिन कौन सी भी तरफ तय ना तो हरियाणा किसी बात में हरियाणा के किसान में सिर्फ फूट डालन का काम ये राजनीतिक सरकारें कर रही हैं भाई, इसमें कोई एक व्यक्तिगत सरकार को ले भाई एक बीजेपी है सारी सरकार ली जितनी भी हैं सारी सरकार ने हमेशा अपने किसानों का शोषण कराया है भाई, पंजाब के किसान का भी और हरियाणा के किसान का भी। इसकी यह एक जानकारी और बता दूं मेरे किसान भाइयों ने, अगर ओड़त लेके आओगे तो नुमान के चलो भाई 4000 करोड़ में काम चल रहा है, और 4000 करोड़ में सारा काम बन के तैयार हो जाएगा 67 किलोमीटर का, और जे 156 किलोमीटर में जाओगे नहीं भाई 4000 करोड़ में तो वह समारी समारी कुंजावे बढ़ाई तो दूर की बात है, एक बार में वह खुदाई समराई को नहीं होगी। और उन जो पंजाब के किसान भाइयों भी वह पैदावारी बनी रहेगी क्योंकि उनने भी इस बात का भय है अगर हमें गैर विश्वेदार हो जावांगे तो वह जमीन उन भाइयों द्वारा रहने जाएगी, पानी आपे न मिल जाए हिमाचल का रास्ता है और बढ़िया अच्छा तरीका तो बन जाए अपना हरियाणा सरकार का भी फायदा हो जाए, वो हरियाणा सरकार का क्या फायदा हो जाए, एक तो बजट कम लगेगा, दूसरा भाई 35 लाख एकड़ के लिए पानी आ जाएगा हरियाणा में 35 लाख किल्या का पानी आओगा। अच्छा फिर बतावा मेरे किसान भाइयों 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर सके हरियाणा उस पानी से, और जो वो प्रोजेक्ट लगेगा उसके लिए भारत सरकार उसका खर्च उठावेगी,
वह बिजली किसने में लगी? अपना के हरियाणा के किसान ने। हरियाणा में जितनी औद्योगिक इकाई हैं, उद्योग हैं, गांव देहात हैं, उनने यह बिजली में लगी। फायदा किसको हुआ? हरियाणा को। बजट किसका ला गया? सेंटर का, केंद्र सरकार का। तो इस चीज का भी फायदा आप उठा सका। हाँ, और दूसरा बता दूं एक और जानकारी के तौर पे, पंजाब सरकार ने किसानों का दबाव माया की विधानसभा में कानून पास करके, और वो जो जमीन थी नहीं, वह वापसी उन्हें किसानों का रजिस्ट्री करवा दी। वह असल मालिका के पास में वापसी चली गई। दोबारा यू काम होना में भाई, ये दीवानी मुकदमे हैं, बहुत लंबे चले आ गए हैं और पीढ़ी बीत जा रहे हैं। तो आप उसके लिए एक अलग रास्ता निकालने के लिए अपने जो मजदूर और किसान के बेटे हैं उन्हें प्रयास कराया है। सत्रोल खाप में गांव है मोठ गांव, मोठ गांव से सामाजिक भाई हैं, मतलब बड़े समाज सेवी हैं, सत्यवान दून हर भाई भिवाणी से हैं, जगन्नाथ के बेटे जितेंद्र नाथ एडवोकेट हैं। वे बहुत लंबी लंबा काफी समय प्रयास कराया है। वे अपने किसानों को इस तरीके से फायदा उसके है, इस तरीके से अपना हरियाणा में पानी मिल सके है, इस तरीके से वे काफी टाइम से इस बात को लेकर चिंतित हैं। और वे इस बात में आप अपने जितने भी हरियाणा के सामाजिक संगठन है, वे खाप पंचायतें हैं, उन्हें सहयोग करना है। 12 मार्च 2023 ने जाट धर्मशाला जींद में पहुंचना है। और इस पानी में अंजनी बार को नहीं बह, अगर जे सरकार की नीति साबित हो तो खर्चा भी कम लगेगा। एक और बात बता दूं, वह जो जमीन है नी, जिस जमीन में कोई हिमाचल प्रदेश में को जो पानी आना है, वह किसी किसान की कोनी, हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है भाई। और एक तो वह अनुगान बोला पहाड़ का रास्ता है, वो पहाड़ को नहीं, कच्चे पहाड़ हैं भाई, रेतीले पहाड़ हैं, खुदाई आसान होगी। तो बड़ा अच्छा तरीके का यू फैसला उसका है, अगर जे सरकार की नीत साबित हो तो। सरकार की नीत साबित हो तो के को नहीं हो सकता, सब कुछ हो सका भाई। अपने किसानों ने पानी मिल सके है, अगर जे ठीक ढंग से इनकी नीत साबित हो ही, तो अपने हरियाणा किसान ने तो पानी मिलागा, SYL का मुद्दा सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो एक बार फिर भाई मैं रिक्वेस्ट करूं, मैं जितने भी दर्शक साथी देखने लग रहे हैं और जो पहली बार इस YouTube चैनल ने देखे हैं, फील्ड मार्शल कृषि अंतर YouTube चैनल ने, इसने तो कर लियो सब्सक्राइब, और इस वीडियो ने इतनी शेयर कर दो, इतनी शेयर कर दो भाई। 12 मार्च ने जाट धर्मशाला में भारी तादाद में, क्योंकि भाई हरियाणा का पानी का मामला है रही, 35 लाख एकड़ का मामला है, यू इतने लाख एकड़ में पानी मिल जाएगा। आड़े भ्रमित करें जावे हैं भाई, पाकिस्तान में जावे हैं भाई, तीन नदी तो आई थी बंडे, पाकिस्तान का सिस्टम यू फैसला होया था, इंडस और झेलम और चनाब नदी, इन नदियों का पानी तो बंड आया था भाई, जिस टाइम भारत पाकिस्तान अलग हुए थे भाई, पाकिस्तान का है और भारत का है, भारत का है भाई, रावी ब्यास और सतलुज, इन तीन नदियों का पानी अपने भारत का है। और भाई USYL का पानी जो आपने मिलना था, इन्हें नदियों में तो मिलना था 1955 में यू फैसला हो लिया, और 1955 तक लेकर आज लगे आपने यू पानी को नहीं मिला। तो भाइयों, मैं यह वीडियो ज्यादा तो लंबी तो बन गई, लेकिन फिर दोबारा कहूं, जितने भी अपने हरियाणा के कर्मचारी यूनियन है भाई, बार एसोसिएशन है, सामाजिक संगठन है, और भाई बुद्धिजीव प्रबुद्ध खाप पंचायतें हैं, सब ने 12 मार्च 2023 ने जाट धर्मशाला जींद में पहुंचना है। पानी का मुद्दा है, और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, या जानकारी किसी लागी भाई कमेंट करके जरूर बताइयो।
तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जे पिचाकर की तरफ से राम राम, धन्यवाद।